आधा वर्ष, उम्मीद है बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। अच्छा जी, आज हमारा है कौन सा पार्ट है ये? आज हमारा 35 पार्ट नंबर 35, यानी कि 35वां हिस्सा। और हमने पिछली बार हमने आपको बताया था चलत के साथ जो हमने वॉक बताई थी आपको, मध्यहस्त चक्कर, ठीक है जी। तो आज हम क्या करेंगे, अच्छा हम ये सारे आपको नाम हमने पहले बताए थे आपको ना, सारी हस्तकों के नाम, अब उसका जो इस्तेमाल है वो किस तरीके से करना है वो हम आपको बता के चल रहे हैं ना। आज हम करेंगे उर्दू कौन सुचित, मध्य कौन सुचित, तला कौन सुचित, खड़े होके तो करते हैं किस तरह करते हैं, लेकिन चलत के साथ किस तरह करेंगे ना, क्योंकि कथक का मतलब ये थोड़ी है कोई कि एक ही जगह पत्थर की तरह खड़ो कि आप उसे उधर ही याद फेरते रहे, उधर याद करते रहे ना, है ना। तो चलत के साथ ये तीनों जो अंदाज है, उर्दू कौन सुचित, मध्य कौन सुचित, तला कौन सुचित, है ना, ये इनको जो है हम चलत के साथ कैसे करेंगे, तो आज हम आपको बताएंगे कि चलत के साथ। फिर हम आपको बताएंगे उर्दू हस्त चक्कर, और उसके बाद उत्पत्ति और नमन और पलट, ये सारे हम आपको बता चुके हैं। और फिर मध्य हस्त चक्कर, ये भी हम आपको बता चुके हैं। तला हस्त चक्कर भी बता चुके हैं आपको हम, ठीक है ना। तो अब हम आपको बताएंगे कि मध्य तला कौन सुचित, मध्य कौन सुचित, और ये तला कौन सुचित, उर्दू कौन सुचित, ये किस तरह चलत के साथ किस तरीके से होता है, तो आज हम बताएंगे आपको। 35वें पार्ट में देखते रहिए, जो नहीं देखने वाले उनसे गुजारिश है कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अगर मन को अच्छा लगे तो, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और बस इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए, पसंद करते रहिए। हम आगे से आगे और भी अभी आगे चल के हमारी बहुत सारी अभी जो होने वाले हैं, बाकायदा हम कथक के ऊपर एक लेक्चर भी हम देंगे आपको कि कथक असल मतलब कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, कि उसकी जो लवाजमात है कथक की क्या खूबी होनी चाहिए ना, जो बुज़ुर्गों ने बंदिशें बांधी हैं। तो चलते हैं 35वें पार्ट की तरफ, आइए। अच्छा जी, ये देखिए, पहले तो हम क्या करते हैं, हम खड़ों की जिस तरीके से करते हैं ना, उर्दू कौन सुचित था, मध्य कौन सुचित था, तला कौन सुचित था, ठीक है ना। यानी उर्दू का मतलब ऊपर, कौन का मतलब कोना, मध्य का मतलब है बीच का दरमियाना हिस्सा, तला कौन सुचित नीचे से जो खर्चा, तला हम हमारे तले को कहते हैं जमीन को, तला कहते हैं, ठीक है जी। तो हम शुरू करते हैं वहाँ, पहले गौर से देखिएगा कि मेरा हाथ
देख लीजिए, उसके बाद पैरों के अंदाज देख लीजिएगा, हमने आपको दिखाया दूर से ना, अब जरा थोड़ा करीब से देख लीजिएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 पैरों को देख रहे हैं अंदाज, पैरों के अंदाज कैसे जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये देखा जी आपने, अच्छा अंदाज वही है, सारे अंदाज हम आपको बता चुके हैं ना सारी वीडियो में ना। जो नए देखने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि जो पिछली वीडियो निकाल के देख सकते हैं कि हमारे पीछे 1 2 का जो पैर है उसके बाद फिर हम के एड़ी किस तरह चेंज करते हैं, एड़ी कहाँ लगाते हैं, उसके बाद फिर हम जब ये कर रहे हैं उर्दू कौन सुचित मध्य कौन सुचित और तला कौन सुचित, और उसके बाद हम कह रहे हैं उसके साथ पुष्पक का भी एक हाथ है ना। तो गौर से देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा इंशाल्लाह ताला, और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इंसान में गलती सबसे हो सकती है, लेकिन मेरा मकसद है आपको अटकाना नहीं, आपको आगे बताना। आसान नाच देखते रहिएगा, आसान जान मार्च कथक मास्टर यूट्यूब चैनल HAWSNJNN110@gmail.com, हसन जान वारसी कथक मास्टर ऑफिशियल फेसबुक, हसन जान वारसी इंस्टाग्राम, हसन जान वारसी ट्विटर। अपने बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।